हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज मेरे घर में बन रहा है पुलाव, ये चिकन का ही बन रहा है। मटन खा खा के भी हम लोग जो है बोर हो गए। आज मोहर्रम भी चालू हो गया तो हम लोगों ने चिकन बनाया, तो देखना है कि पुलाव बन रहा है अभी कैसा बनता है। पुलाव पुलाव ऐसे दो तीन किस्म का बनता है कि लाल भी बनता है, वाइट भी बनता है, थोड़ा ब्राउन भी बनता है। तो देखना ये कि हमारे यहाँ कौन सा बन रहा है। वैसे चिकन का बन रहा है तो शायद लाल ही होगा, थोड़ा येलो होता है लेकिन हम लोग घर में लाल बोलते हैं। तो देखना ये कि वो बनना कैसे, और चलिए देखते हैं कि वो बनता कैसे है। अभी ये हम लोग किचन में आ गए, तो आप देख सकते हो कि चिकन को जो है धो के रखा गया तो कुकर के, बल्कि कुकर नहीं है सॉरी, ये एक तपेली है, इसके अंदर ही भर के रखा गया। और प्याज है, ये क्या क्या है, प्याज, हरा पत्ता, प्याज, गरम मसाले, तेज पत्ता, अच्छा ओके, लहसुन, ओके, मिर्ची, ये गरम मसाला, ओके, ये धनिया पाउडर, ओके, और ये आधा चम्मच हल्दी, और ये टमाटर। और धनिया पाउडर कितना चम्मच है? 3 चम्मच। और प्याज? 4 है। 4 प्याज। और मुर्गी कितना प्याला कितना वो है? 1 किलो। 1 किलो मुर्गी, ओके ठीक है। ये तीनों भी, चारों भी थाली जो है हमारे ये ने मीटर से रखी हुई है, ये ने ये जो है पूरी पूरी मिक्स हो जाएंगी चिकन में, ये पूरी मिक्स हो जाएंगी अभी चिकन में। हाँ। तो अभी मिक्स कर रहे हो आप? नहीं अभी तो पीसना है सर, ये पीसना है। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वापस स्टार्ट कर दिए। तो ये देखना ये कि प्याज जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था वो भी भून दिए, वो भी तल दिए, लाल हो गए। और ये कौन सा मसाला है, हरा मसाला? हरा मसाला इसमें डाल दें। चावल कब डालेंगे? मसाला भूनने के बाद, मसाला भुनने के बाद ही चावल डाल देंगे। ओके पूरा हरा मसाला डाल लेना, टमाटर भी डाल लेना। और ये कौन सा गरम मसाला? धनिया, धनिया और हल्दी, ये कब डालेंगे? ये पूरा आधा भुनने के बाद में, आधा भुनने के बाद में धनिया और ये जो है हल्दी ये डाल देंगे। आधा जब ये भून जाएगा तब, यानी इसमें गोश्त नहीं डालना है, मुर्गी नहीं डालना है। मुर्गी 1 किलो लिए हम लोगों ने, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा भी ले सकते हो मुर्गी। लेकिन ये जो है हरा मसाला, गरम मसाला, ये सब थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं थोड़ी देर बाद किचन में और इसका भी एक वीडियो बना देते हैं कि बनता कैसे। आप ये देख सकते हो कि मैंने जो तेज पत्ता और गरम मसाला उसमें था, प्याज भी भून गए। अभी इसमें चिकन मिला देंगे, चिकन और आलू मिला दो, चिकन और आलू, ये अच्छी तरह धोना है आपको। हल्दी वगैरह भी मिला देंगे इसके अंदर। अभी इसको कितनी देर के लिए छोड़ देंगे? पकने के लिए 15 मिनट तक छोड़ देंगे, 10 या 15 मिनट तक। अच्छी तरह से मिला देना है उसको ताकि हर एक बोटी में मसाला लग जाए, इस तरह से मिला देना है। अभी ये चिकन पूरा भून गया, चिकन भूनने के बाद चावल भी मिला दिए इसके अंदर, और हल्दी पाउडर भी डाल दें इसके अंदर। क्या वही चिकन मिला हुआ तो उसके अंदर ही डाल दें? सब मसाले तुम देखो ना, वही सब मसाले, वही सब मसाले जो पहले हमने आपको बताया। और चावल भी इसे मिला दिए गए, और फिर इसको दम करने के लिए रख दिया गया, फिर इसको सूखने के लिए पूरा रख दिया गया। तो ये सूख जाएगा तभी हम लोग बनाएंगे एक और वीडियो और देखेंगे कैसे बनाए। अभी ये जो हमने चावल मिला दिया था उसके अंदर, चिकन के अंदर और गरम मसाले के अंदर, हरे मसाले के अंदर, वो अभी दम हो गया शायद,
तो देखना ये क्या दम हुआ क्या, यार देखो हुआ क्या नहीं दम। ओके ये हो गया और ये बन के भी तैयार हो गए, शायद कैमरा जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है उसको, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। छमा छिला दो उसमें, जरा कैसा दिख रहा है जरा देखेंगे तो सही। ओके चिकन और आलू दोनों भी गल चुका है ना, तो ये प्लेट में निकाल दो मैंने। ओके इसमें जो है हरी ये तेज पत्ता भी है, ग्रीन पत्ता भी है दिखने के लिए के ये कहता है। चलो हम इसको खाकर रिव्यू देते थे कि ये बना के थे, तब तक क्या वीडियो बहुत नर रहे, धन्यवाद। बैक टू अवर चैनल, हम लोगों ने आपको जो है मेकिंग बता दिया पुलाव की, ये पुलाव आखिर बनता कैसे, अभी तो खा के देखेंगे इसका जायका कैसे है ना। तो इसको मैं पहले ट्राई करता हूँ कि सिर्फ चावल ट्राई करता हूँ, सिर्फ चावल ट्राई करने देखा होगा कि इसका जायका मालूम पड़ जाएगा कैसा है। इसका जायका तो बहुत ही अच्छा है, तो आपको मैं जो है ये मतलब बोलना चाहूँगा कि आप बनाइए और इसको जो है ट्राई कीजिए घर पे, क्या ये आखिर लगता कैसे। कलर में थोड़ा अलग है, तो अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ बटाटे। ये देखें ये बटाटा ले लिया, ये चिकन भी ले लिया, ये राइस भी ले लिया, और मेरा फेवरेट दही चावल भी, दही और चावल कह रहा हूँ, दही और प्याज भी ले लिया। और अभी इसकी जो है एक बाइट बनाते हैं। हाँ हाँ बहुत मज़ा आया बटाटे और चिकन के साथ, बहुत मज़ा आया। मैं एक और बाइट लेना चाहूँगा चिकन के साथ, खाली चिकन के साथ, क्योंकि बटाटा इतना पसंद नहीं है मुझे, खाली चिकन और कचुम्बर के साथ। कचुम्बर इसको बॉम्बे में बोलते हैं, शायद बाहर कुछ और भी बोलते हो नॉर्थ साइड में। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उमदा है, आप भी घर पे बना कर देखिए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपने घर पे ट्राई किया क्या नहीं। जब तक मैं इसको एंजॉय करता हूँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।